में वंशवादी सियासत की रिवायत रही है। लगभग हर राज्य में राजनीति में वंशवाद का असर नजर आता है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि यहां तो कई राजनीतिक परिवार हैं जिनकी आगे की पीढ़ी अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही है। इनमें से देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के परिवार हैं जो राजनीति में अपना जोर लगा रहे हैं। इन सबके बीच मनोहर लाल भी एक बड़े फैक्टर हैं जो हरियाणा के तीन लालों की सियासी विरासत पर 2014 में भारी पड़े थे। हरियाणा में विरासत में सियासत, सियासत में तीन लालों का दबदबा कायम। तीन लाल के बीच मनोहर लाल एक बड़ा फैक्टर। हरियाणा की सियासी चर्चा तीन लालों के बगैर अधूरी है। ताऊ देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और भजनलाल हरियाणा के वो तीन लाल जिनकी पहचान उनके बड़े सियासी खत से तो होती ही है, साथ ही इनकी पहचान इनके परिवार के लोगों के सियासी हनक से भी होती है। आइए एक एक कर ताऊ देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और भजनलाल के परिवार और उनकी सियासत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात ताऊ देवीलाल और उनके परिवार। राजनीतिक करियर की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस से की थी, फिर जनता दल सरकार में उन्हें डेप्यूटी पीएम बनने का मौका मिला। चौधरी देवीलाल दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी देवीलाल ने 1974 में भारतीय लोकदल का गठन किया था, जिसका नाम 1998 में बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया। चौधरी देवीलाल की विरासत को बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पांच बार के मुख्यमंत्री रहे। वो राज्य के बड़े जाट लीडर के रूप में उभरे। हालांकि बाद में चौटाला परिवार में विवाद शुरू हो गया। ओम प्रकाश चौटाला की विरासत उनके दो बेटों अभय और अजय के बीच में बंट गई। 2018 में इंडियन लोकदल का विभाजन हुआ और जननायक जनता पार्टी का गठन। जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डेप्यूटी सीएम भी रहे। दुष्यंत चौटाला की मां भी राजनीति में सक्रिय है। वहीं इस बार नैना चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला चुनाव मैदान में। दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व अभय चौटाला कर रहे हैं। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला और अर्जुन चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। अब बात चौधरी बंसीलाल और उनके परिवार की करते हैं। चौधरी बंसीलाल चार बार हरियाणा के सीएम रहे। उन्हें आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट माना जाता है। वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के विश्वास पात्र रहे। बंसीलाल की केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। उन्हें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रक्षा और राजीव गांधी के कार्यकाल में रेलवे मंत्रालय दिया गया था। 1996 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। हालांकि 2004 में हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। बंसीलाल की विरासत को उनकी पुत्र वधु किरण चौधरी ने आगे बढ़ाया। किरण चौधरी पहली बार दिल्ली से विधायक बनी। तोशा विधानसभा सीट से वो चार बार चुनाव जीत चुकी हैं। हाल ही में हुड्डा से नाराजगी के चलते किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब वो राज्यसभा सांसद हैं। जबकि किरण चौधरी की बेटी चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से तोशाम सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं हरियाणा की तीसरे कद्दावर नेता भजनलाल ने भी कांग्रेस से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। भजनलाल 1970-75 के बीच केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रहे। भजनलाल हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री भी बने। भजनलाल को 2005 में सीएम का पद नहीं दिया गया, जिसके बाद भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। हालांकि 2016 में हरियाणा जनहित कांग्रेस में विलय कर दिया। कुलदीप बिश्नोई अभी बीजेपी में है और कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर आदमपुर सीट से ताज ठोक रहे हैं। वहीं भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर फिर से पंचकुला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रमोहन हुड्डा सरकार में डेप्यूटी सीएम पद पर रह चुके हैं। डेप्यूटी सीएम रहते हुए अनुराधा बाली से धर्म बदलकर दूसरी शादी करने पर वो काफी चर्चाओं में आए थे। हरियाणा के कद्दावर लालों की चर्चा
मनोहर लाल के बगैर अधूरी होती थी। मनोहर लाल ही वो नेता हैं जिन्होंने 2014 में इन सबको मात देते हुए हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुए। लगभग 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अब मनोहर लाल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।